नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक खुशखबरी लेके आए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी रीज़न से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अपना फॉर्म फिल नहीं किया था, और ये खुशखबरी है उनके लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी प्लस टू पास किया और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कोर्सेज में जिनके अंदर सीटें खाली रह गई थी उन कोर्सों के अंदर दोबारा से यूनिवर्सिटी ने वैकेंट सीटों पर दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की डेट डिसाइड की है, और दोबारा से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहेगा और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं और इसकी क्या लेट फीस रहेगी और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो है ये जो आए हैं जो अपना UTDI यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट और इंटरग्रेटेड कोर्स हैं, उनकी लास्ट डेट आई है इंटीग्रेटेड कोर्सेज की। और ये इंटीग्रेटेड कोर्स वो होते हैं जिनके अंदर मतलब आपको मिनिमम 3-4 साल एक कोर्स लंबा चलेगा, मतलब उसका ड्यूरेशन होता है, मतलब अगर प्लस टू पास करने के बाद आ रहे हैं तो 4-5 साल उस कोर्स के अंदर आपको लगेंगे और उसके साथ में आपको मास्टर डिग्री ही मिल जाएगी डायरेक्ट। तो ये कोर्सेज हैं, सबसे पहले है मैं पूरा नोटिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी का, उस नोटिफिकेशन को पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन की है, सिर्फ वो चाहे आर्ट से की है, नॉन मेडिकल से की है या फिर बीकॉम, मतलब किसी भी उसमें आपने प्लस टू की है और उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एडमिशन के लिए सबसे पहले बीए मास कम्युनिकेशन, इसमें कोई भी ग्रेजुएट प्लस टू पास स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। बीए मास कम्युनिकेशन के अंदर टोटल ऑल कैटेगरी की 16 सीटें हैं, ध्यान रहे बीए मास कम्युनिकेशन के अंदर ऑल इंडिया कैटेगरी की, मतलब ऑल कैटेगरी सभी के अंदर तो 16 सीटें हैं, बाकी 23 जो सीटें हैं इसके अंदर सुपर न्यूमेरी सीट हैं। और सुपर न्यूमेरी सीट का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप चाहे NCC कोटा है, NSS का कोटा है, फिजिकल हैंडीकैप का, मतलब जितने भी अलग अलग तरह के आपको अलग अलग सीटें डिवाइड होती हैं वे सारी की सारी सीटें सुपर न्यूमेरी सीट के अंदर आ जाएंगी। तो मतलब 16 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी ऑल कैटेगरी की हैं और 23 सीटें सुपर न्यूमेरी सीटें हैं। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही BSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, जो स्टूडेंट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए 4 सीट ऑल कैटेगरीज की हैं और 18 सीटें सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं। उसके बाद है BSc मल्टीमीडिया, अगर आपका मल्टीमीडिया में मतलब डिजाइनिंग वगैरह में आपका वो है इंटरेस्ट है तो आप इसके अंदर टोटल सीटें हैं 12 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी की हैं और 17 सीट सुपर न्यूमेरी सीट हैं, मतलब काफ़ी सीटें खाली बची हुई हैं, तो आप प्लस टू के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही, एक मिनट बताता हूँ, हाँ मास कम्युनिकेशन के अंदर ही प्रिंटिंग BSc प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 20 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं, ऑल कैटेगरी से हैं, मतलब कोई भी कैटेगरी वाला 20 सीटों के अंदर अप्लाई कर सकता है। और जो इसके अंदर सुपर न्यूमेरी सीट हैं वो 19 हैं, मतलब सुपर न्यूमेरी को मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट इनके अंदर अप्लाई कर सकता है, चाहे वो SC है, BC है, या NCC का आपके पास कोटा, NSS का कोटा है, या एक्स सर्विस मैन वाला कोटा है, सभी इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का, इसके अंदर होता है BHM और CET, 4 ईयर का ये कोर्स है, प्लस टू के बाद आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 15 सीटें हैं ऑल कैटेगरी से और 24 सीटें हैं सुपर न्यूमेरी सीट, मतलब कोई भी कैटेगरी का उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आते हैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी BFA पेंटिंग अप्लाइड आर्ट्स एंड स्कल्पचर, 4 ईयर का ये कोर्स है, आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ऑल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, 23 सीटें सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं BFA के अंदर, जिसका भी आर्ट एंड क्राफ्ट में मतलब किसी भी तरीका के डिजाइनिंग में पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं प्लस टू के बाद। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, इसके अंदर एक कोर्स है MPA मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये 5 साल का ये लगभग कोर्स रहेगा, इसके अंदर टोटल 12 सीटें हैं ऑल कैटेगरी से, कोई भी कैटेगरी का इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, 12 सीटें खाली हैं। प्लस टू के बाद आप अगर डांस में म्यूजिक में किसी भी तरीका का आप एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं MPA मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, आप इसके अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंदर यहाँ पे है MTech अप्लाइड जियोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम,
ये 5 साल का एमटेक करवाते हैं डायरेक्ट जियोलॉजी वालों के लिए, और इसके अंदर ऑल इंडिया की 10 सीटें हैं और 11 सीटें सुपर न्यूमेरी सीटें हैं। तो ये नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन और बाकी रहेगी जो मैं बता देता हूँ, ये आपको कब से कब तक अप्लाई करें, ये है 11 तारीख यानी आज से ये स्टार्ट होगा, 11/10/2022 से लेके आप इसको 18/10/2022 यानी कि लगभग आपके पास 7-8 दिन का टाइम है, इसी के दौरान आप लोगों को ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और जो फॉर्म की फ़ीस रहेगी, आप ऑनलाइन किसी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर जाओगे तो उसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए आपको 800 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हैं, SC है, OBC हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसके लिए 200 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और रही बात ये अभी दोबारा से फॉर्म निकले यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि पहले जो सीटें खाली रही थी उनके ऊपर, अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट लगने के बाद, तो इसकी डेट भी यहाँ पे दी हुई है, हाँ 20 तारीख को इसकी सीटें लगेंगी, ऑनलाइन डिस्प्ले लग जाएगी 11 बजे 20 तारीख को, और उसके बाद जो फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी और जो टोटल फीस थी आपके डिपार्टमेंट में, उससे आपको लेट फीस, उस फीस के साथ में 1500 रुपये ऐड करके, मतलब अगर आपके डिपार्टमेंट में 1000 रुपये फीस थी तो आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे वो लेट फीस की वजह से। तो ये पूरी की पूरी आप लोगों के लिए जानकारी थी, अगर फिर भी आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहाँ का लिंक दिया हुआ, हमारे एडमिन के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कमेंट करके आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और याद रहे ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है ये प्लस टू जिन विद्यार्थियों ने पास किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है, आप अपनी इंटरेस्ट के, ये जो 5 डिपार्टमेंट मैंने बताए इनके अंदर जो अलग अलग कोर्स की सीटें खाली बची हुई हैं प्लस टू के बाद, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, तो आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।